अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जायका। आज मेरी मम्मी बना रही है लौकी का हलवा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। लौकी का हलवा आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलिए सीखते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने ली है एक कढ़ाई, कद्दूकस किया हुआ 1 किलो लौकी लिया है, हमने 2 किलो लौकी लिया था, उसमें से हमने 1 किलो ग्रीन पार्ट निकाल लिया है। लौकी खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि लौकी ज़्यादा पकी ना हो और बाहर से ज़्यादा सख्त ना हो। अब हम लौकी को 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, लौकी का कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें 500 ग्राम दूध ऐड करेंगे। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे अच्छे से गलने के लिए बारीक फ्लेम पे ढककर रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, दूध बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम शक्कर का पानी सूखने तक और पकाएंगे। ये देखिए, शक्कर का पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक 100 ग्राम मावा डालेंगे। 10 से 12 बादाम डालेंगे। 10 से 12 किशमिश डालेंगे। 10 से 12 काजू डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रीन फ्रूट कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और अब हम ग्रीन फ्रूट कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच घी और ऐड करेंगे, इससे लौकी के हलवे का जायका और बढ़ जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।